तो बेतिया वालों, यू कैन सी बेतिया में खुल गया MNC मोमोज नेशन कैफे। MNC में आपको 70+ मोमोज के वैरायटीज देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर मोमोज के अलावा चाइनीज के भी आपको बहुत सारे आइटम देखने को मिल रहे हैं। क्या तो वेजिटेरियन है उनको डरने की बात नहीं है कि हाँ नॉनवेज यहाँ मिलता है, 100% वेज है। ये अचारी मोमो, अचारी मोमो है। इसमें अचार का भी स्वाद आएगा, हल्का अचार का फ्लेवर आएगा। बच्चे मन के सच्चे होते हैं और ये लोग बता रहे हैं यहाँ का मोमोज अच्छे होते हैं। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी तारिक सैफुल्ला और आपका स्वागत है तारिक सैफुल्ला व्लॉग्स में। तो आज फिर हम लोग हाजिर है एक नया फूड व्लॉग लेकर के। जैसे कि आपको पता है कि मैं फूडी हूँ, खाने का बहुत शौकीन हूँ। तो अगर आप बेतिया से हैं और मोमोज के शौकीन हैं, मोमोज लवर हैं, तो आप इस जगह पे आ सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को लेके आया हूँ मोमोज नेशन कैफे। सबसे जरूरी होता है एड्रेस और लोकेशन। एड्रेस लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो तिल लालटेन चौक जो है, तिल लालटेन चौक से जो लाल बाजार का रास्ता जा रहा है उस रास्ते में आइएगा तो थोड़ा सा आगे पे आगे आने पर आपको एमएनसी में आपको 70+ मोमोज के वैरायटीज देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर दीजिए। और अभी हम लाल बाजार में हैं जिस वजह से थोड़ा साउंड पोल्यूशन हो रहा है, हॉर्न का आवाज़ आ रहा है। लोकेशन मैंने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में लोकेशन भी दे देंगे और फॉलो कर देना। चलो शुरू करते हैं व्लॉग, अंदर चलते हैं। तो मैं मोमोज नेशन कैफे के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ का इंटीरियर जो है वो काफी खूबसूरत है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन इंटीरियर दिखाया जाए मोमोज नेशन कैफे का। सजन रे पास तो आना ना, कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना ओ। सजन रे पास तो आना ना, कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना ओ। तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज, तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज। दे दिए कितने वादे दिए, तेरी आज ताए रात रात, तेरी आज ताए रात रात। वादे दिए कितने वादे दिए, तेरी आज ताए रात रात, तेरी आज ताए रात रात। हे फैमिली, तो हम लोग अंदर आ चुके हैं और हमारे साथ हैं आज साजिद भाई। तो हमारे फैमिली को हेलो कीजिए। हेलो फैमिली। तो ये आ चुके हैं और ये मेन्यू देख रहे हैं। तो यहाँ क्या क्या अवेलेबल है? अभी हम लोग मेन्यू को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे द मोमोज नेशन कैफे में हम लोग हैं। तो यहाँ पे पास्ता है, बेवरेजेस है, सुपर पावर बंस है, सैंडविच है, नूडल्स है, सुपर सेवर कॉम्बोज है जिसमें आप पैसा बचा सकते हैं, तंदूरी है, फ्राइड मोमोज है, MNC स्पेशल मोमोज है, MNC सुपर मोमोज है, साइड किक्स है, चाप्स है एंड मैगी है। तो आपको जो भी ट्राई करना है आप यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर मोमोज के अलावा चाइनीज के भी आपको बहुत सारे आइटम देखने को मिल रहे हैं, क्या भाई? हाँ, चाइनीज है और मैगी भी है। मैगी भी अवेलेबल है जो कि हर बच्चों का फेवरेट होता है। हर बच्चों का फेवरेट होता है। और प्लेन मैगी 50 और ऐसे 70 में वेज मिल रहा है जो काफी बढ़िया है। और हम लोग जो है यहाँ पे कॉम्बो सेवर जो है, इसमें पैसा बच सकता है। इसमें हम लोग ऑर्डर करते हैं वेज अचारी है, वेज अफगानी मोमोज है, वेज कॉकटेल मोमोज है और कोक जो मिल रहा है प्लस प्लस प्लस। तो ये 5 से 6 चीज आपको मिल रहा है और वो भी 150 में मिल रहा है। तो ये बढ़िया है, पैसा ये बचेगा और हम दोनों भाई आराम से पेट भर के खा भी सकते हैं। काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। हाँ, और यहाँ पर कुछ बच्चे को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी ऑर्डर करके मंगवाए हैं। देखिए, हेलो हाई, क्या नाम हुआ आपका? कुशाग्र जी। कुशाग्र। कुशाग्र। और आपका? अंश। अंश। और आपका? श्रेयम। श्रेयम। और आपका? गौरांग। गौरांग। और आपका? अर्णव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोगों ने क्या ऑर्डर करके मंगवाया, कौन सा? क्रिस्पी मोमोज। इन्होंने क्रिस्पी मोमोज मंगवाया है। और ये आप भी नजदीक से अगर दिखाइए तो ये देखिए कैसे क्रिस्पी मोमोज एकदम खाने में क्रिस्पी लगेगा। ठीक है, तो हम ट्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पर अक्सर आके आप लोग खाते हैं? हाँ, एक बार और आएगा। यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आप सबको अच्छा लगता है? हाँ। आप लोग भी कुछ ऑर्डर किए हैं क्या? हम लोग भी इन्हीं के साथ खा रहे हैं। तो 1 2 3 4 5
तो मतलब आप लोग 5-6 आदमी और ये 4 मोमोज? नहीं अभी और आएगा, अभी और आ रहा है। तो ठीक है, आप लोग इंजॉय कीजिए, हम लोग भी कॉम्बो जो है वो ऑर्डर किए हैं। आप लोग भी अगर बेतिया से नहीं आए हैं तो आ सकते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। और ये लोग बता रहे हैं यहाँ का मोमोज बहुत अच्छे होते हैं। वाह, बच्चे मन के सच्चे होते हैं और ये लोग बता रहे हैं यहाँ का मोमोज अच्छे होते हैं। चलिए खाइए, आप लोग इंजॉय कीजिए। हे फैमिली, तो फाइनली हम लोग का ऑर्डर आ चुका है जो हम लोगों ने कॉम्बो में मंगवाया है। और हमारे साथ हैं राहुल जी, यहाँ के ऑनर। नमस्ते। सबसे पहले ये आइडिया कहाँ से है, इतना खूबसूरत आइडिया? उस नेशन कैफे है MNC, इसकी फ्रेंचाइजी बहुत जगह है, मेरा घर हाजीपुर हुआ वहाँ है, मुजफ्फरपुर में है। और ये चीज़ आपने बेतिया में लेके आया, तो और ये मोमोज लवर के लिए तो मतलब एक अपॉर्चुनिटी है, तो ये कैसे आपके माइंड में आया? बेतिया में अभी तक कोई भी फास्ट फूड या शाम में हम नाश्ता के लिए सोचते हैं तो कोई खास ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है नहीं। हम सिर्फ हमारे पास क्या समोसा है, चाट है, घूम फिर के हम उसी में रह जाते हैं। कोई अलग से अगर बाहर से हमारे रिलेटिव्स आ जाते हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, उनको कुछ खिलाना है तो हम लोग शाम में सोच में पड़ जाते हैं क्या स्नैक्स खिलाया जाए। तो वहाँ से एक आइडिया है कि फास्ट फूड का या मोमो का आजकल क्रेज़ हर जगह बढ़ते जा रहा है, तो मोमो के तरफ लोगों का झुकाव देखते हुए ये आइडिया है कि यहाँ मोमो नेशन का कैफे खोला जा सकता है। जैसे कि बेतिया वालों का मोमोज के तरफ से प्यार बढ़ते जा रहा है, लेकिन टेस्ट हर जगह वैसा टेस्ट नहीं मिल रहा है, और यहाँ का टेस्ट बिल्कुल अलग आपको मिलेगा। तो बेतिया से है तो एक बार जरूर आकर ट्राई कर सकते हैं। और इन्होंने लोकेशन भी बहुत ही बढ़िया चुना है, इस लोकेशन में कोई भी बढ़िया दुकान नहीं है ऐसा, मतलब फास्ट फूड का या मोमोज का कोई नहीं है आसपास में देखा जाए तो। अगर लाल भैया में मैंने इसलिए खोला क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो शाम के वक्त बैठ के खाने के लिए कोई बढ़िया रेस्टोरेंट या कैफे टाइप में कुछ नहीं है। जो भी है तो सुप्रिया साइड जाना पड़ता है, तो यहाँ के लोगों के लिए थोड़ा दूर पड़ जाता है फैमिली को लेकर जाने के लिए। हाँ, प्योर वेज भी है ये। हाँ, ये 100% वेज है। जो वेजिटेरियन है उनको डरने की बात नहीं है कि हाँ नॉन वेज यहाँ मिलता है, 100% वेज है, तो यहाँ पर आप आकर खा सकते हैं इत्मीनान से। क्या बिल्कुल, यहाँ नॉनवेज का आपको कोई डरने का जरूरत नहीं है कि नॉनवेज मिलेगा। जो प्योर वेजिटेरियन है उनके लिए सबसे प्लस पॉइंट है। अब सावन खत्म होगा लेकिन फिर भी बहुत जगह बहुत सारे लोग नहीं खाना चाहते हैं नॉनवेज जहाँ बनता है। खैर, तो मैं ट्राई करूंगा। यहाँ पर हम लोगों का कुछ चीज आया है, यहाँ मोमोज 3 तरह के दिख रहे हैं। ये कौन सा है? ये वाला जो अचारी कॉम्बो है, ये अचारी मोमोज है? नहीं, ये कॉकटेल है। ये अचारी है और ये अफगानी है। तो ये हो गया कॉकटेल मोमोज, इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ। इसका टेस्ट भी काफी बढ़िया है। कॉकटेल मोमो है, ये बढ़िया लग रहा है। ये कौन सा है? ये अचारी मोमो। अचारी मोमो है, तो इसमें अचार का भी स्वाद आएगा, हल्का अचार का फ्लेवर आएगा। खट्टे आम का अचार का फ्लेवर आता है, इसमें अचार का भी स्वाद आ रहा है। ये भी काफी बढ़िया है। और ये कौन सा है? अफगानी मोमो। तीनों का जो टेस्ट है ना, तीनों का एक अलग है, अलग फ्लेवर है। हम इसमें कंपेयर नहीं कर सकते ये अच्छा है, ये इससे अच्छा है। हर का एक अलग टेस्ट है, हर का अपना एक अलग स्वाद है। कॉम्बो में भी एक अचारी इसलिए डाला गया कि दो क्रीम के बीच में एक सूखा इसलिए डाला गया कि लेकिन दो क्रीम अगर लगातार आप खाते हैं जी, तो एक का टेस्ट आपको काफी अच्छा लगेगा, दूसरे का टेस्ट आपको कम लगेगा। इसमें सबसे मतलब बढ़िया मुझे ये लग रहा है, वैसे तो तीनों बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अफगानी जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल इसका स्वैग ही अलग है। अफगानी का मोस्टली MNC के जितने आउटलेट्स है सबसे फेवरेट में अफगानी ही जाता है। इसको खा के आदमी खो जा रहा है, इसमें ऐसा लग रहा है मक्खन मक्खन भी है। क्या क्या है इसमें? इसमें क्रीम डालता है, क्रीम है ना, दो तीन तरह की क्रीम डालते हैं हम लोग, दूध पड़ता है। और क्या कहना चाहेंगे हमारे जो बेतियावासी देख रहे हैं उनसे? बेतियावासियों के लिए एक ही न्यूज है कि आपका दुकान है, अपनी दुकान समझ के एक बार जरूर सेवा का मौका दीजिए, दोबारा आपको टेस्ट पसंद आए तो आप खुद ही जरूर आएंगे। नहीं, यहाँ का वाकई टेस्ट जो है, मैं कह रहा हूँ टेस्ट काफी बढ़िया है। और मैंने, आपने देखा होगा, मैं फूड ब्लॉगर हूँ, बेतिया में बहुत जगह ट्राई किया हूँ, तो यहाँ का जो फूड है, यहाँ का जो मोमोज है वो काफी अलग है।
तो आप यहाँ पर आके ट्राई कर सकते हो। और मोमोज के अलावा चाइनीज के भी बहुत सारे डिश हैं हमारे पास। अभी 35+ में 35+ मोमो का वेराइटीज है, उसके अलावा चाइनीज में नूडल्स है। अभी 35+ सिर्फ मोमोज के, सिर्फ वेज में। अगर इसको नॉनवेज ऐड करते हैं तो ये 70+ हो जाएगा। ओ, क्योंकि और जगह नॉनवेज भी ऐड है क्या? पूरे 80+ में अभी तक 4 या 5 आउटलेट ऑल ओवर इंडिया ऐसा है जो प्योर वेज है, बाकी हर जगह नॉन वेज एडेड है। वो मैं बाहर जो बोल रहा था 70 प्रकार के मिलते हैं, वेराइटीज के मिलते हैं, तो यहाँ 35 है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वेज मिलता है। नॉन वेज जब इंक्लूड होगा तब 70+ होगा, 70+ हो जाएगा। उसके अलावा चाइनीज में मंचूरियन है, चिली पनीर है, बेबी कॉर्न है, नूडल्स है, आपके लिए हनी चिली पोटैटोज भी है, फ्राइज है, चार तरह के फ्राइज है हमारे पास, सैंडविच है, मैगी भी है 5-6 वेराइटीज में। तो मैगीज वगैरह भी हैं, चाइनीज़ के आइटम भैया ने बताया बहुत सारे हैं, और मेनू भी मैं आपको दिखा दूंगा। और यहाँ पर फ्री होम डिलीवरी की भी सुविधा अवेलेबल है, तो अगर आप घर बैठे खाना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है, नहीं आ सकते हैं, तो आप ऑर्डर मंगवा भी सकते हैं। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा, और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, और व्यवहार भी आपका बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जो ऑर्डर किया था वो खाया, और वो काफ़ी बढ़िया था। और ये भाई अपने तरफ से, ये क्या है भाई, चॉकलेट दिख रहा है? ये डेजर्ट में आता है हमारे मेन्यू में, इसका नाम चॉकलेट बॉम है। जी जी, ये खाने में बिल्कुल ब्राउनी विद आइसक्रीम जैसा टेस्ट देता है। अच्छा, आइसक्रीम और जैसा टेस्ट रहेगा जैसा आप CCD में खाते हैं, चॉकलेट ब्राउनी विद आइसक्रीम, जस्ट वैसा ही टेस्ट आएगा। ट्राई कर रहे हैं, ठंडा ठंडा आइसक्रीम की तरह भी लग रहा है। आइसक्रीम और गरम चॉकलेट का कॉम्बिनेशन आएगा। चॉकलेट भी है उसके अंदर, जो वो गरम चॉकलेट है क्या? हाँ। ये इधर आइए, इधर दिखाइए, इधर आइए। ये ठंडा भी लग रहा है, ये आइसक्रीम टाइप का ये है शायद। हाँ। और इसके अंदर जो चॉकलेट है ये जो है ये गरम गरम लग रहा है, ये वाला जो है लिक्विड फॉर्म में ना। हाँ। और ये चौको भी लग रहा है, ये थोड़ा क्रेप्सी टाइप का। प्रॉपर चॉकलेट बॉम्ब जैसा हो जाता है, प्रॉपर चॉकलेट बॉम्ब जैसा। प्रॉपर चॉकलेट बॉम्ब लग रहा है। इसको हम चॉकलेट मोमोज बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल, इसका नाम चॉकलेट मोमो ही है, लेकिन मैंने इसका नाम बदल के चॉकलेट बॉम्ब कर दिया है। चॉकलेट बॉम्ब रखा है क्योंकि इसका शेप था वो मोमोज टाइप जैसा ही है। आप मोमो नेशन के किसी और मेनू में देखिएगा तो इसका नाम चॉकलेट मोमो के नाम से ही मिलेगा आपको। तो आप चॉकलेट मोमो भी ट्राई कर सकते हो अगर आप मतलब ये कुछ यूनिक ट्राई करना चाहते हो, और आइसक्रीम का और चॉकलेट का और मोमोज का सबका स्वाद लेना चाहते हो तो आपको इसमें मिल सकता है। काफी बढ़िया है, वाकई बढ़िया है। अगर आप चॉकलेट लवर हो तो जरूर यहाँ पे आओ, ये चीज ट्राई करो, चॉकलेट बॉम्ब जो भैया ने नाम रखा है, चॉकलेट मोमो है। यहाँ का मोमो सब बढ़िया था, अफगानी का जो टेस्ट था वो थोड़ा अलग था क्योंकि वो ज़्यादा बढ़िया था। ज़्यादातर लोगों को अफगानी ही पसंद आता है तंदूरी मोमो में, उसके अलावा हमारे यहाँ कढ़ाई भी और पिज़्ज़ा भी काफ़ी पसंद किया जाता है। और जो क्रिप्सी मोमो था उसका भी टेस्ट एकदम क्रिप्सी क्रिप्सी आ रहा था, वो भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिला, पूरे मोमो जैसा आपको। और मैंने बहुत कुछ और भी ट्राई किया था उधर, बच्चे लोग खाए थे, फ्रेंच फ्राइज का भी टेस्ट बिल्कुल अलग था। फ्रेंच फ्राइज में पेरी पेरी बच्चों ने ट्राई किया था जो आपने देखा था। चलिए, तो आपसे मिलके अच्छा लगा और यहाँ आके भी अच्छा लगा। तो अगर आप लोग बेतिया में हो और बेतिया आने का प्लान बनाते हो और इस जगह पे नहीं आए हो तो जरूर आओ, मोमोज लवर के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है, तो आकर यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नेक्स्ट जगह पे। तब तक के लिए बाय बाय।